हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है और इसी के साथ देश में अब अनलॉक की तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसी लापरवाही से बचना होगा। भूलिए बिल्कुल मत कि कोरोना सिर्फ कमजोर हुआ है, पूरी तरह से गया नहीं है। अनलॉक के बीच यूपी में आज से मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक कई मंदिरों में आज से भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। 45 दिनों के बाद यूपी के मथुरा और वृंदावन में आज आम लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। मथुरा में बांके बिहारी का मंदिर खुलते ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देखिए हमारे संवाददाता पवन नारकी ये रिपोर्ट। हम आपको पवन की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में कहां कहां कौन कौन सी जगह पर मंदिर खोले गए हैं। रामलला अयोध्या, इसे खोल दिया गया है। हनुमानगढ़ी का मंदिर भी खोल दिया गया है, यह भी अयोध्या में है। बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है, उसके भी दरवाजे खोल दिए गए भक्तों के लिए। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा, यह मंदिर भी खोल दिया गया है। मुकुट मुखरा बिंद मंदिर, यह भी मथुरा में है, इसके भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। दूधेश्वर नाथ मंदिर भी गाजियाबाद में है, इसके भी कपाट को खोल दिया गया है। पवन नारा की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 45 दिन मंदिर बंद रहे और आज से मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो रही है। अनलॉक के तहत वृंदावन में आज बांके बिहारी मंदिर में दर्शन खुले हैं। दर्शन सुबह 8 बजे खुले थे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर ऐसी है कि आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी। क्या बुजुर्ग क्या जवान सब यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और ये कतार यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है। प्रक्रिया ये है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है या आसपास के रहने वाले अपने आधार कार्ड के साथ एंट्री कर सकते हैं। सर मैम, आप कहाँ से आए हैं, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने, तो कोई रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई नहीं? तो डर नहीं लगा कोरोना काल में, सब घर में हैं, आप मंदिर दौड़े चले आए? नहीं, डर अब तो कम भी है, और लेकिन हमें बहुत टाइम से दर्शन नहीं किए। अच्छा, आपको लग रहा था कि इस विपदा में दर्शन जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अपने अपनी आस्था की बात है। आस्था के तहत कह रहा हूं, आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं नहीं, आस्था की बात है। आपको लगा कि आना चाहिए? तो यहाँ लंबी कतार है। आप कहाँ से आए हैं सर? मास्क मत लगाइए। भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, तो आपको नहीं लगा? अच्छा सर, आपको नहीं लगा कोरोना भी नहीं आना चाहिए? बिहारी जी के सामने कोरोना की क्या औकात है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान से। हाँ, तो आपको पता था दर्शन शुरू हो गए हैं? हाँ, पता लग गया। पता लग गया। तो आपको लगा नहीं कि महामारी में भीड़ होगी, नहीं आना चाहिए? नहीं, आज ऐसा लगा कि सुबह सुबह आज पहले दिन भीड़ नहीं होगी। भीड़ नहीं होगी? हाँ, क्योंकि लोगों पता अभी देर लगेगा ना। तो आपको क्या लग रहा है, भीड़ है कि नहीं है? कम है। हाँ, लेकिन भीड़ तो है। हाँ, तो ये लंबी कतार है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम लोकल वृंदावन के ही। अच्छा, आप वृंदावन के ही हैं? जी, जी। तो आप तो पहले भी दर्शन के लिए आते रहते होंगे? हाँ, खूब आते थे। भीड़ का अंदाजा कितना है और दिनों के मुकाबले? भीड़ कम है, बहुत कम है? बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। बहुत कम है? जी जी। तो कह रहे हैं कम भीड़ है, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह की है कि लंबी कतार है। एक वक्त में 5 को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, शायद यही वजह है कि कतार भी लंबी है। लेकिन यहाँ सब अपने इष्ट देव के, या कहें कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और यहाँ कोविड के डर के ऊपर आस्था भारी पड़ रही है। लेकिन अनलॉक में सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि लापरवाही ना होने पाए। भले ही सबने मास्क लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मंदिर के अंदर तो है, लेकिन बाहर अभी भी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और सबसे बड़ा डर भी यही है कि अगर अनलॉक होता है तो क्या जनता संयम रखेगी। लेकिन फिलहाल जो कतारें दिखाई दे रही हैं, वो बता रही हैं कि अनलॉक होने के बाद स्थिति कुछ ऐसी है। और ये तो शुरुआत है, जब ये खबर फैलेगी कि मंदिर दर्शन के लिए खुल गए हैं, तो यहाँ भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। और अब हम आपको बांके बिहारी मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आने वाले भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करवाया जा रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के अंदर की तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि यहां भीड़ नहीं है, एक वक्त में 5 श्रद्धालु ही आ सकते हैं। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, आपने कभी इतना खाली नहीं देखा होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस भी मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुआयना कर रही है। बाकी यहाँ के
पंडित समाज के लोग भी मौजूद हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए गुब्बारे लगाए गए हैं। आज मंदिर खुलने की शुरुआत हुई है, भक्त खुश हैं, लेकिन बहुत से लोगों को चिंता इस बात की है कि आखिर यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल मंदिर के अंदर की तस्वीर ये है कि यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ गिनती चुनती के लोग उचित दूरी के साथ पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। इस तरह से डिसइंफेक्टेंट टनल भी लगाई गई थी, लेकिन अब ये टनल चूंकि एग्जिट गेट पर है तो अब ये काम नहीं कर रही है। एंट्री वहाँ से है और यहाँ से दर्शन करने के बाद आप बाहर पहुँच जाते हैं। खुद पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पुलिस है जो मुआयना करने के लिए आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। और ये वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर की तस्वीर है जो 45 दिनों के बाद आज खुला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।